Hello dear students, welcome once again to my channel Maths on Tips. A Verma, your maths mentor. Chaliye start karte hain circles. Sabse pehle circle kya hai? Circle kya hai? Circle ek locus hai jo ki fixed point jisko hum center consider karte hain. Ek point P hai jisko hum xy lete hain. और ये डिस्टेंस कांस्टेंट जिसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है? हमने क्या कहा? सर्किल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट पी व्हिच हैज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point O, जिसके coordinate हम consider करते हैं H और K. इसी से आपको समझ आ जाएगा कि एक fixed point है हमारे पास, जिसको हम center of circle कहते हैं, एक variable point है P, जिसको हम XY लेते हैं, इसको HK हमने consider किया है, constant distance जो point maintain करते हैं, उनको अगर हम join करें, तो वो कहलाता है locus, ठीक है? यानी क्या आएगी वो लोकस इस पॉइंट का? सर्कल. चलिए, अब एक डिस्टेंस का फॉर्मूला था आपका x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस, जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट होता है. उस अंडर रूट को हम अगर रिमूव कर दें, ऐसे होती है ये वैल्यू, तो इस अंडर रूट को अगर हम रिमूव कर दें तो जो कंडीशन हमारी आ जाती है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. बस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? सर्किल की, जिसमें सेंटर क्या है आपके पास? h और k, और रेडियस क्या है? दैट इज r. ठीक है, इसकी एक जनरल फॉर्म भी है, लेकिन आपके पास केवल सेंटर और रेडियस वाला ही फॉर्म आपको करना है. दूसरा फॉर्म क्या है? सेकेंड फॉर्म है इसमें कि जब हमें एंड पॉइंट्स गिवन हैं, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, अगर मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हैं, एक को मैंने x1 y1 काउंट किया है, दूसरे को x2 y2 काउंट किया है, एक पॉइंट P हमने लिया है जनरल जिसको हम xy लेते हैं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म होता है आपका 90, राइट? अब 90 का मतलब है कि ये दोनों लाइंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर. तो अगर मैं स्लोप ऑफ पी ए फाइंड करूं, तो पी ए का स्लोप या ए पी का स्लोप क्या होगा? y माइनस y1 ओवर x माइनस x1. इसी टाइप से अगर मैं स्लोप ऑफ बी पी फाइंड कर दूं, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2. ठीक है, तो ये मेरे पास स्लोप आ गया किसका? ए पी का और बी पी का. लेकिन ए पी परपेंडिकुलर है बी पी पर. अब परपेंडिकुलर के लिए आप जानते हैं, अगर ये स्लोप एम वन है, ये एम टू है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस वन. यानी वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और साथ में हम लेंगे वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस वन, राइट? तो यहां से जो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है वो आ जाएगी x माइनस एक्स वन, क्योंकि ये दोनों टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे माइनस के साथ x माइनस एक्स टू, और इधर ले आएंगे हम इसको, तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये सिंपल इक्वेशन आपने यूज करनी है अगर आपके पास एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के. तो ये दो फॉर्म हो गई. अब हम लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. दो लाइन हमें एक्स और वाई में गिवन है, और कहा है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल का सेंटर है, एंड पासस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0 0. चलिए, सबसे पहले हमें सेंटर फाइंड करना होगा, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. ये डायरेक्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड ही ट्रांसफर कर दें आप, एक्स होल अपॉन वाई अपॉन एंड वन अपॉन. ठीक है,
x के अपॉन में x के मल्टीपल काउंट नहीं होंगे, पहले y के मल्टीपल फिर कांस्टेंट टर्म, ये लिख दिया आपने, y के अपॉन में पहले कांस्टेंट टर्म फिर x के मल्टीपल, इसी ऑर्डर में चलेगा, ठीक है, और 1 के अपॉन में पहले x और फिर y, ये मल्टीपल लिख दिया आपने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 15 पॉजिटिव माइनस 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 माइनस माइनस प्लस 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 और माइनस माइनस प्लस 9, इसको और इसको इक्वल किया x की वैल्यू आ जाएगी, y को इक्वल किया y की वैल्यू। अब ये क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट जिसको कि हम h और k कंसीडर करते हैं, इक्वेशन हम एज्यूम कर सकते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट, h और k के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट अप कर दी, x क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। अभी हमें r भी फाइंड करना है, किसके हेल्प से, पासिस थ्रू ओरिजिन। अब पासिस थ्रू ओरिजिन का मतलब है कि x और y को रिप्लेस कर देंगे आप 0-0 से, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, इनको सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई r की, इक्वेशन में पुट अप किया, उसके बाद होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब है, इंटरसेप्ट्स का मतलब है अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो उसके साथ वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेगा, अगर वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स कोऑर्डिनेट को आप जीरो लेंगे और वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेगा, इसको सपोज हमने बी कंसिडर किया है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लिया x इंटरसेप्ट, जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसके साथ y कोऑर्डिनेट आप जीरो काउंट करेंगे लाए ऑन द सर्किल, y इंटरसेप्ट b गिवन है 0, b लाए ऑन द सर्किल। सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे लाई करता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि x और y को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0, 0 से, ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पुट किए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं a, 0, यहाँ से जो इक्वेशन आई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के प्लेस पर हम आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी a बाई टू, बिल्कुल ऐसे ही जब आप b सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी और आर स्क्वायर बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, इक्वेशन में पुट करके आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगी। तो इस टाइप से अगर पॉइंट्स आपको गिवन है तो आपने सर्किल की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तब तो आप डायरेक्ट ही इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें केवल ये 2 ही 3 फॉर्म थे। अगर सपोज आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड पॉइंट्स मतलब जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स गिवन है और तब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसमें तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या होगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला, सपोज एक कोऑर्डिनेट है 1, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, 4, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या ले लेंगे आप, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू, ठीक है, बस इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, ये डायरेक्ट आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये था आपका टॉपिक सर्किल, सर्किल में जितना सिलेबस मुझे मिला है उसमें यही था, किसी एक बच्चे का मैसेज आया था रुद्र का, तो उसने यही सिलेबस दिया था, इतना ही सिलेबस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप क्वेश्चंस ट्राई कर पा रहे हैं या नहीं, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज बाय।